ये देखो हम यहाँ पे दशहरा आसन मना रहे हैं। विजयादशमी चा हार्दिक शुभेच्छा। हेलो गाइस, सो आज है दशहरा। तो दशहरे के दिन सबसे मेन काम क्या होता है? अरे गाड़ी धोने का यार। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ दुकान पे। मगर क्यों? क्योंकि गाड़ी धोने के लिए शैम्पू जरूरी है, तो दुकान में ही मिलेगा। चल झूठा। तो शैम्पू लेके मैं आ जाता हूँ जल्दी से घर। तो पानी में शैम्पू को मिक्स करके मैं धोने लगता हूँ गाड़ी को। तो अपने स्प्लेंडर को चमकाने के बाद उसे हार भी तो पहनाना है, तो उसके लिए मैं लेके आ गया फूल। A few moments later, अब मैं भी हो गया हूँ रेडी बाहर जाने के लिए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। आपके यहाँ दशहरे के दिन रावण दहन होता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में एक दूसरे को ये देते हैं, इसे कहते हैं सोना। अब मैं भी बाहर आता हूँ तो मुझे देखते हैं मेरे दोस्त। हैप्पी दशहरा बाबा। देखो हम यहाँ पे दशहरा आसन मना रहे हैं। ये हमारे गाँव वाले हैं, ये हमारे दोस्त है और ये हमारा वीडियो निकाल रहा है। हैप्पी दशहरा दादा। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा दादा। हैप्पी दशहरा दादू। हैप्पी दशहरा बू। हैप्पी दशहरा। अब जरा हम माता रानी के दर्शन ले लेते। यहाँ आया तो भैया फोटो ले रहे थे। हैप्पी दशहरा दादा। अब जरा भगवान श्री राम के मंदिर आके भी उनका दर्शन ले लेता हूँ। पहले सचिन दर्शन कर लेता है, बाद में हम, लेकिन गेट बंद होने के कारण हमें बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है। शाबाश बेटा। फिर दोस्त के पापा आए तो उनका भी आशीर्वाद लेके हम चले जाते हैं बाहर। तभी मुझे बबलू भैया दिख जाते है। हैप्पी दशहरा दादा। हैप्पी दशहरा बघून घ्या, आमच्या ऑडियन्सला तुम्ही दिसले पाहिजे। हैप्पी दशहरा दशहरा हे काय, आमच्या ऑडियन्सला तुम्ही दिसले पाहिजे। हैप्पी दशहरा दादा। तुमच्या हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। तो सभी भाइयों को एक एक करके मिलने के बाद फिर हम आ गए भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद हम लेते हैं बजरंग बली का दर्शन। उनके पास ये सोना रख के मैं भी उनका आशीर्वाद ले लेता हूँ। फिर मंदिर के बाहर भी कुछ दोस्त मिल जाते हैं। उनसे मिलने के बाद हम गणपति बापा के मंदिर जा ही रहे थे कि तभी मिल जाता है स्वामी। फिर स्वामी से मिलने के बाद हम आ जाते हैं गणपति बापा के मंदिर। यहाँ आके देखा तो ये सोना चोरी कर रहे थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बापा के दर्शन के बाद बेटा से भी मिलने जाता हूँ। तभी देखता हूँ कि चाचा जरा ज्यादा ही झूम रहे थे। फिर उसके बाद मुझे मिल जाते हैं मेरा बड़ा भाई और राजेश। राजेश तो मेरा जिगरी यार है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। फिर मैं मिलता हूँ मेरे बड़े भाई से, जो कुछ दिनों बाद आर्मी के ट्रेनिंग को जाने वाला है। विजयादशमी चा हार्दिक शुभेच्छा। हिंदी मध्ये हैप्पी दशहरा विजयादशमी के हार्दिक शुभेच्छा आप लोगों को। अभी 28 तारीख को अभी पोस्टिंग को जा रहा है आर्मी के बेलगांव को। पोस्टिंग ज्वाइनिंग को जा रहा है। ज्वाइनिंग को जा रहा है, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग। A few minutes later. घर जाते हुए मुझे मिल जाते योगेश दादा और सचू मामा। चैनल और स्वागत है तुम सर। तुम्हारा बेटा हैप्पी दशहरा। बोल गाइस काम करो। हैप्पी दशहरा दादा। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा।
तू भी पहिले